हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल ऑफ द जावा। जावा का सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है इनहेरिटेंस, और उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एग्जांपल के साथ। सो टुडे वी सी द इनहेरिटेंस इन जावा विद एग्जांपल। बी विथ मी, क्योंकि यहाँ पे सुपर क्लास और सब क्लास और ये इनहेरिटेंस कंसेप्ट से ही जावा काफ़ी फेमस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक नया क्लास बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर क्लास, यानी कि पुराने क्लास की मदद से नया क्लास बना सकते हैं और उसके फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनहेरिटेंस का यूज कैसे होगा जावा में और उसके क्या क्या बेनिफिट्स और उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इनहेरिटेंस इन जावा। तो फर्स्ट वी सी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, पहले वो बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी फीचर्स यूजिंग इनहेरिटेंस, दैट मीन्स वी आर एबल टू रीयूज अवर कोड। हम हमारे कोड का रीयूज कर सकते हैं, जो चीज हमने बनाई हुई है वही चीज वापस अगर करनी है, क्रिएट करनी है, तो वापस बनाने की जरूरत नहीं, जो हमारे पास है उसी का हम रीयूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस अलाउज अस टू बिल्ड ए न्यू क्लास विद एडेड कैपेबिलिटी बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम नया क्लास बनाएंगे, मगर पुराने क्लास की जो भी फैसिलिटी होगी उसके अंदर कुछ एड करके, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज एड करके हम नया क्लास बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो पुराना क्लास है उसकी जो लिमिटेशंस थी उससे ओवरकम होकर, यानी कि उसको एक्सटेंड करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया जाएगा, जो हम आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग के टाइम पे। इनहेरिटेंस मॉडल इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। किस टाइप के रिलेशनशिप को दिखाता है, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई ट्यूटोरियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। जावा के इससे पहले के काफी सारे ट्यूटोरियल्स में दे चुका हूँ, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में या तो जावा बेसिक में मैंने इनहेरिटेंस पूरा डिटेल में थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था। वहां पर भी मैंने कहा था कि इज ए रिलेशनशिप है, एंड इफ दैट ट्यूटोरियल इज पेंडिंग, तो अभी भी मेरे चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन में है, वहां पे जाके आप ये ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम इज ए रूम, स्टूडेंट इज ए पर्सन, रूम एंड पर्सन आर कॉल्ड पेरेंट क्लास। यहाँ पे रूम एंड पेरेंट आर कॉल्ड पेरेंट क्लास, यहाँ पे कंसेप्ट है जो मेन क्लास होगा उसको पेरेंट क्लास या तो सुपर क्लास या तो बेस क्लास कहेंगे, ठीक है। क्लासरूम एंड स्टूडेंट आर कॉल्ड चाइल्ड क्लास। यहाँ पे रूम, बहुत सारा रूम है, उसके अंडर में क्लासरूम होगा, यानी कि रूम पेरेंट हुआ और क्लासरूम जो है वो चाइल्ड हुआ। या तो ये भी कह सकते हैं कि रूम सुपर क्लास हुआ, क्लासरूम सब क्लास हुआ, या तो ये भी कह सकते हैं कि रूम बेस क्लास है और क्लासरूम सब क्लास है। उसी तरह से पर्सन, हर एक स्टूडेंट जो है पर्सन तो है ही, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल, मैं प्रोग्राम में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पर्सन इज ए पेरेंट एंड स्टूडेंट इज ए चाइल्ड। तो पेरेंट क्लास इज ऑल्सो रिफर टू एज ए सुपर क्लास और बेस क्लास, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास, ऑल थ्री आर इक्वल, एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है, डिराइव्ड क्लास एंड सब क्लास आर सेम। एंड इन द सेम वे चाइल्ड क्लास इज ऑल्सो रिफर टू ए सब क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, और वी कैन से एक्सटेंडेड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप में बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप की कर रहे हैं, जो एक ऊपर होगा और दूसरा उसकी मदद से बनेगा, मगर जो दूसरा बनेगा उसके पास जो पेरेंट है उसकी सभी की सभी फैसिलिटी प्लस एडिशनल जो भी हम डालेंगे वो, यानी कि अगर हम देखा जाए तो चाइल्ड क्लास या तो सब क्लास या तो डिराइव क्लास जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन होगा पुराने क्लास का। Whenever two classes have is a relationship, we use inheritance. अगर दो क्लास के बीच में is a relationship होता है तो हमको किसका यूज करना है, inheritance का। Common features are kept in super class. यानी कि देखो, room तो एक room बनता है, तो एक room के अंदर जो common features है, जैसे कि एक दीवार होती है, कुछ color होगा वगैरह जो है, वो common features super class के अंदर रखेंगे। फिर sub class में क्या रखेंगे, इसके अलावा कुछ extra चाहिए। मान लो कि मुझे रूम को क्लासरूम बनाना है तो मुझे दीवार या कलर वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं, जरूरत क्या है, सिर्फ बेंच और एक ब्लैक बोर्ड ऐड करने की। वही रूम का इस्तेमाल मुझे अगर कोई कंप्यूटर लैब बनानी है सपोज, तो उसमें दीवार और कलर की वापस जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे पास है ही, ऐड क्या करना है उसके अंदर, क्योंकि कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर टेबल्स। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, सब क्लास इनहेरिट ऑल इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड्स फ्रॉम सुपर क्लास, and it may have its own added variable and method. यानी कि सुपर क्लास
यानी कि रूम क्लास की जो भी फैसिलिटी होगी, यानी कि जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी मेथड्स हैं, वो सब क्लास यूज कर पाएगा, प्लस एडिशनल फीचर्स। जैसे कि मैंने कहा ना कि एक रूम जो क्लास है वही रूम को मुझे कंप्यूटर लैब में कन्वर्ट करना है, तो रूम की जो कॉमन फीचर्स है यानी कि कॉमन वेरिएबल्स है वो तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा, प्लस मैंने ऐड किया उसके अंदर कंप्यूटर और कंप्यूटर टेबल। नोट दैट कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड इन ए सब क्लास, ये एक ध्यान रखना है कि हम कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर को आप डायरेक्ट यूज सब क्लास के अंदर नहीं कर सकते। हम मैं आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगा, अगर उसका यूज करना है तो उसके लिए सुपर मेथड का यूज करना है। वो क्या है एग्जैक्टली, मेरे साथ आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया है, बेटर होगा कि हम जो है वो प्रोग्राम के अंदर ही उसको जाके चेक कर लेंगे, ठीक है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पे एक लाइन और समझने वाली बात है कि सब क्लास इनहेरिट्स ऑल मेथड्स ऑफ सुपर क्लास एंड इट मे हैव एडिशनल मेथड्स। वो तो है, जैसे कि वेरिएबल की बात हुई उसी तरह से मेथड्स भी हो सकती है कि सुपर क्लास की सभी मेथड का यूज सब क्लास कर पाएगा। हाँ, प्राइवेट मेंबर का यूज नहीं कर पाएगा। मैंने एक ट्यूटोरियल आपको विजिबिलिटी मॉडिफायर का भी दिया है प्रोटेक्शन के लिए, उसमें मैंने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पैकेट सिखा है, तो वो देख लेना पहले, जिससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि प्राइवेट मेंबर का यूज जो है वो आप सब क्लास के अंदर नहीं कर सकते और प्रोटेक्टेड मेंबर का यूज जो है वो सब क्लास के अंदर कर सकते हैं। सो लेट वी सी इन द डिटेल, कुछ स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। सब क्लास इज नॉट ए सबसेट ऑफ सुपर क्लास, इनफैक्ट सब क्लास यूजुअली कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन एंड मेथड देन ए सुपर क्लास, नेचुरली है, क्योंकि सब क्लास जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है सुपर क्लास का। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब उसमें पुराना तो है मगर साथ में कुछ नया भी है, तो यानी कि अपडेटेड वर्जन अगर हम बोले तो हो जाएगा सब क्लास। लेटेस्ट अगर वाली बात करें तो मान लो कि रूम तो एक रूम है, खाली रूम है, दीवार है, कलर है, मगर उसको मैं लैब में कन्वर्ट कर दूं तो वो हो गया एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द रूम। रूम कुछ नहीं था, मैंने कंप्यूटर वगैरह डाला तो हो गया थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अपडेटेड वर्जन। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है। देखो यहाँ पे दो क्लास बनाए हैं, रूम एंड क्लासरूम। तो रूम जो है वो सुपर क्लास है, या तो हम बोल सकते हैं पेरेंट क्लास, या तो हम बोल सकते हैं बेस क्लास। उसके अंदर के वेरिएबल है लेंथ, विथ, हाइट एंड एन विंडोज। कंस्ट्रक्टर तीन कंस्ट्रक्टर है, कैसे पता चला, क्योंकि उसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, और दो मेथड है एरिया एंड डिस्प्ले। अभी हम क्लासरूम की बात करें तो उसके खुद के फीचर्स कौन कौन से है, तो के एक एंड बेंचेस है और एक एंड सीट बेंचेस है जो इसमें नहीं है। रूम पूरा के पूरा एक रूम तो बहुत सारा है, अभी वो रूम को मुझे क्लासरूम में कन्वर्ट करना हो तो मुझे सिर्फ जो जरूरी है रूम को, क्लासरूम को कन्वर्ट करने के लिए जो जो जरूरी चीजें वो ही डालनी पड़ेगी। रूम की तो हर चीज क्लासरूम में आ ही जाएगी, समझ में आया, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है इनहेरिटेंस का, क्योंकि दीवार कलर वगैरह मुझे वापस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पास है ही, बस उसको क्लासरूम में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज चाहिए सिर्फ उतना ही ऐड करो क्लासरूम के अंदर, बाकी सब हमको ले लेना है किससे, रूम से लेना है, ठीक है। तो दिस इज द इनहेरिटेंस, मैंने आपको ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। अभी थोड़ा और उसको डिटेलिंग करते, कुछ पॉइंट्स उसके देख लेते वन बाय वन। When an object of subclass is initiated, memory is allocated for all its attributes, including inherited ones. ये line समझने वाली है कि जब subclass का object बनता है तो memory allocate हर एक member को की जाएगी, जो नए member है subclass के उसको भी, plus जो superclass के member use करने वाला है subclass उसको भी memory दी जाएगी। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेमोरी तो, क्योंकि हम यूज तो कर रहे हैं ना, अगर हम कोई चीज का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मेमोरी का भी यूज होगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास आर नॉट इनहेरिटेड, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए कीवर्ड आता है सुपर, कौन सा कीवर्ड आता है सुपर, जिससे जावा समझ जाएगा कि यू आर ट्राइंग टू यूज समथिंग फ्रॉम द सुपर क्लास, जो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते मगर करने वाले हो, करना है आपको। तो कीवर्ड सुपर इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, यानी कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज होता है। दिस कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी है। अगर आपको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो सबसे फर्स्ट लाइन आपको जनरली यही लिखनी होती है। When there is no explicit call to constructor of superclass,
नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इम्प्लिसिटली कॉल्ड एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सुपर मेथड, यहाँ पे सुपर मेथड का यूज होगा। अगर आप उसको कॉल नहीं करो ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यानी कि नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लिसिटली कॉल्ड होगा, यानी कि अपने आप कॉल होगा कौन सी मेथड से, सुपर मेथड। जैसे कि सुपर कीवर्ड है उसी तरह से सुपर मेथड भी है, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, प्रोग्राम में के अंदर भी। नाउ वी सी सम मोर पॉइंट्स ऑफ इनहेरिटेंस। व्हेन सुपर क्लास एंड सब क्लास हैव मेथड्स विद द सेम सिग्नेचर, ए सुपर क्लास मेथड इज सेड टू बी ओवररिडन इन द सब क्लास। अभी मान लो कि ऐसा हो गया कि सुपर क्लास के अंदर भी डिस्प्ले मेथड है और सब क्लास के अंदर भी डिस्प्ले मेथड है, दोनों की आर्ग्यूमेंट भी सेम है, जो भी सब कुछ सेम है, सिग्नेचर भी सेम है, तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो नेचुरली है कि सुपर क्लास की मेथड जो है वो ओवरराइड हो जाएगी कौन किस में, सब क्लास के अंदर। सुपर क्लास मेथड इज सेड टू बी ओवररिडन इन द सब क्लास, यानी कि वो ओवरराइड हो जाएगी और जो है सब क्लास के मेथड को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, आपने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। टू क्रिएट ए सब क्लास एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज, ये ध्यान रखना है। हम जब अभी आगे प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं कि जब हम इनहेरिटेंस करेंगे यानी कि सब क्लास क्रिएट करेंगे तो हमको यूज करना पड़ेगा एक्सटेंड्स कीवर्ड का, क्योंकि इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, जो पुराना क्लास था उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी उसका यूज हम बढ़ा रहे हैं। पहले वो खाली खोखा था, रूम, एक रूम था खाली, उसको एक्सटेंड करके हम उसको कंप्यूटर लैब बना रहे हैं। ये एक मैं जनरल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि एक्सटेंड कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए। ओके, यू लाइक दिस ट्यूटोरियल इन यूट्यूब एंड पोस्ट ए कॉमेंट, ये ट्यूटोरियल को लाइक करो, कॉमेंट पोस्ट करो यूट्यूब में, आपको जो भी डाउट है या तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। ओके, जिससे मुझे आसानी समझ में आए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब में ही उसको सॉल्व कर दूंगा। नाउ लेट वी सी द प्रोग्राम कि किस तरह से एग्जैक्टली जो है इनहेरिटेंस काम कर रहा है। यहाँ पे एक रूम बनाया हुआ है जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अभी उसको हम प्रोग्राम में वाइज देखते हैं। ये प्रोग्राम टोटली करेक्ट है ठीक है। यहाँ पे एक क्लास है रूम, उसके अंदर के वेरिएबल है लेंथ, विथ एंड हाइट, जो कि प्लॉट डेटा टाइप के हैं। एंड विंडोज जो है वो बाइट है, और एक स्टेटिक वेरिएबल है डॉट विंडोज। ये स्टैटिक और डायनामिक का भी मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ओके, यू जस्ट फॉलो द चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, जिससे आप सभी ट्यूटोरियल्स आसानी से समझ सकें। देन हियर वन कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट, ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है। ये दूसरा कंस्ट्रक्टर आया विथ 1, 2, 3 and 4 आर्ग्यूमेंट, उसमें से 3 प्लॉट और 1 बाइट है, और इसका काम यही है कि लेंथ, विथ, हाइट, एंड विंडोज और टोट विंडोज की वैल्यू को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर का तो काम ही यही है, टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। Then one more constructor is there with 2 arguments, plot, दोनों के दोनों plot हैं, जो length और width की value को set करेगा और height और window की value को भी set करेगा with a particular value। फिर एक और method है area, जो return करेगा length multiply by width। मैंने generally Java के हर tutorial में यही example दिया है और book में भी यही example है, तो आपको शायद पता होगा कि कौन कौन से variable है। तो area का काम यहाँ पे क्या है, लेंथ और विथ का मल्टीप्लाई करके जवाब देना। और डिस्प्ले मेथड का काम क्या है यहाँ पे, कि लेंथ की वैल्यू को प्रिंट करो, विथ की वैल्यू को प्रिंट करो, हाइट की वैल्यू को डिस्प्ले करो और एंड विंडोज की वैल्यू को डिस्प्ले करो। तो ये पूरा हमने सेट कर दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रूम क्लास के अंदर क्या है, राइट। नाउ वी सी द मेन क्लास यानी कि क्लासरूम और इनहेरिटेड क्लास देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास, क्लासरूम, यहाँ पे वर्ड कीवर्ड यूज किया गया एक्सटेंड्स रूम, यानी कि क्लासरूम क्लास जो बनने वाला है वो किसकी मदद से बनने वाला है, रूम क्लास की मदद से बनने वाला है, और इनडायरेक्टली हम रूम क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी ये होने वाला है कि क्लासरूम के अंदर रूम क्लास के सभी वेरिएबल और मेथड का हम यूज कर सकते हैं, प्लस क्लासरूम खुद अपनी प्रॉपर्टी भी एड करेगा, यानी कि अपने खुद के वेरिएबल और मेथड्स को भी यूज करेगा। एन बेंचेस एंड एड्स इन बेंचेस, जो नए मेंबर है और जो सिर्फ क्लासरूम में है, रूम के अंदर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर बना विदाउट आर्ग्यूमेंट ब्लैंक, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर्ग्यूमेंट वाला, और यहां पे आप देख सकते हो किसका यूज किया है, सुपर मेथड का यूज किया है, क्योंकि यहां पे मैं किसको कॉल करने वाला हूं, सुपर मेथड इज यूज्ड टू कॉल कंस्ट्रक्टर। तो सुपर मेथड किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जा रहा है, जिससे लेंथ, विथ, हाइट और
उसकी वैल्यू को जो है वो इनिशियलाइज की जाएगी। उसके साथ साथ बचा क्या, तो के एंड बेंचेस और एंड सीट बेंचेस, उसने क्लासरूम ने अलग से लाइन लिख ली, क्योंकि ये चार का तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है रूम के अंदर, ये लेंथ विथ हाइट और एंड, क्योंकि कोई भी रूम की लेंथ विथ हाइट वगैरह तो सेम होगी, तो वो हमने ले लिया कहाँ से, रूम क्लास से ले लिया। और जो बचा था कि बेंच कितनी चाहिए और सीट कितनी चाहिए, वो अलग से यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अभी सो मेथड का यूज कर रहा हूँ। सो मेथड देखो, सुपर डॉट डिस्प्ले यानी कि सुपर कीवर्ड है यहाँ पे, सुपर मेथड है, सुपर मेथड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए है। यहाँ पे मुझे डिस्प्ले मेथड कहाँ की यूज करनी है, रूम क्लास की यूज करनी है, तो यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले लिखा है, तो डिस्प्ले मेथड किस क्लास की होगी, तो कि ये क्लासरूम जो क्लास है इसका पेरेंट क्लास जो भी होगा, यानी कि रूम क्लास की डिस्प्ले मेथड रन होगी, और वो हाइट विथ एंड विंडो सबको प्रिंट कर देगा, और जो बचा है उसको क्लासरूम प्रिंट कर देगा कि एंड बेंचेस कितनी बेंच है, सीट पर बेंच कितनी है, टोटल सीट इन क्लास कितनी है। बाकी जो चीज थी कि भाई हाइट को प्रिंट करने की, लेंथ को प्रिंट करने की, विंडो को प्रिंट करने की, भाई वो तो ऑलरेडी प्रिंट करने का कोड मैंने लिखा ही हुआ है, तो मैं वापस यहाँ पे क्यों लिखूं। और यही तो बेनिफिट है इनहेरिटेंस का, रीयूजिबिलिटी। सिर्फ मैंने ये लाइन लिख दी कि भाई मेरा सुपर क्लास है उसकी डिस्प्ले मेथड यूज करनी है, तो सिंपली रूम क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल होगी और वो अपना काम करेगा और प्रिंट हो जाएगी, तो वो लाइन मुझे वापस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्लासरूम की खुद की मेथड भी है डिस्प्ले मेथड, राइट। ये डिस्प्ले मेथड किसकी है, क्लासरूम की है, क्योंकि सुपर डॉट करके नहीं लिखा है। तो अभी वो क्या प्रिंट कर रहा है, तो भाई लेंथ विथ एंड बेंचेस, ठीक है, एंड सीट बेंचेस एंड टोटल क्लास इन द सीट एंड गेट सीट्स। तो गेट सीट्स नाम का मेथड जो है वो यहाँ पे नीचे लास्ट में लिखी हुई है, रिटर्न एंड बेंचेस मल्टीप्लाई बाय एंड सीट्स बेंच, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाला है। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसका मेन फंक्शन तो बाकी है, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया कि अगर इनहेरिटेंस होगा तो एक मिनिमम दो क्लास तो होंगे ही, उसमें से एक एज ए पेरेंट क्लास और बेस क्लास वर्क करेगा, और दूसरा एज ए चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास वर्क करेगा। और इनहेरिटेंस बनाने के लिए यहाँ पे एक्सटेंस कीवर्ड का यूज होगा, यानी कि क्लासरूम क्लास जो है वो रूम क्लास की मदद से बन रहा है। और या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लासरूम जो है वो डिराइव्ड क्लास बनेगा, चाइल्ड क्लास बनेगा, रूम जो है वो पेरेंट क्लास बनेगा, किसका, क्लासरूम का। ऐसा भी बोल सकते हो कि क्लासरूम जो है अभी रूम के हर एक वेरिएबल और मेथड का यूज कर पाएगा, अगर वो प्राइवेट नहीं हुआ तो। मैंने आपको एक विजिबिलिटी बताई थी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि सुपर क्लास के यानी कि रूम क्लास के अंदर जो है उसका यूज सिर्फ क्लासरूम ही कर सकता है, उसके अलावा अगर कोई तीसरा क्लास है तो वो नहीं कर पाएगा। प्राइवेट मेंबर का डायरेक्ट कोई यूज नहीं कर सकता, अगर करना है तो उसके लिए गेटर और सेटर होता है, यानी कि एक्सेसर और म्यूटेटर, जस्ट मैंने एक लास्ट ट्यूटोरियल में ही आपको सिखाया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट एग्जैक्टली द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी, ठीक है। रीयूजिबिलिटी उसका मेन फीचर है, पुराने क्लास की मदद से नया क्लास बनाओ, और नए क्लास में हम पुराने क्लास की जितनी भी हेल्प लेना चाहते हैं ले सकते हैं, प्लस नया ऐड कर सकते हैं, इसलिए उसको एक्सटेंडेड वर्जन कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक दिस वीडियो, पोस्ट ए कमेंट, डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और उसके लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, तो वो सेल्फ टेस्ट देनी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने सीखा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।